अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं, आपका दोस्त जैन खान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको चूजों में डिफरेंस बताऊंगा कौन सा नर है और कौन सा मादी है। ठीक है, एग्जैक्ट तो जो पॉइंट होते हैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि यार ये मेल बनेगा और ये फीमेल बनेगी बड़े होके। जी दोस्तों, पॉइंट वन सबसे पहले आता है, उसमें हम आपको बताएंगे जो विंग्स होते हैं उसके जो पर होते हैं उनका साइज में फ़र्क होता है। जो फीमेल की जो विंग्स होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ और मेल की फिर उसके बाद दिखाता हूँ। ये है फीमेल का विंग्स, ठीक है। इस ये एक सर्कल बना होता है, गोल दायरा बना होता है, ठीक है। इसका जो साइज़ है इस पर का, कोने वाले का भी गोल आएगा, ठीक है। और जो मेल होता है, मेल का जो विंग्स है वो इस शेप में है, उसका जो कोने वाला पर होगा वो छोटा होगा और शाहपरियाँ जो होंगी वो बड़ी होंगी, ठीक है। जी दोस्तों, पॉइंट टू की तरफ जाते हैं। ये मादी है और ये नर है, ठीक है। इसमें आपको क्लियर पता लग रहा होगा, इनके ताज उभरे हुए हैं। नर का ताज उभरा हुआ है, फीमेल का ताज बैठा हुआ है, ठीक है। पीक में भी फर्क है, इसकी जो नोक है इसमें भी बहुत वाजिया फर्क नजर आ रहा है, चेहरे के साइज में भी फर्क है, ठीक है। तो यहां से भी आपको पता लग सकता है आराम से कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। जी दोस्तों, पॉइंट थ्री की तरफ जाते हैं। पॉइंट थ्री क्या है, बिल्कुल वाजिया पता लगता है। फीमेल का जो होता है वो हमेशा बचपन में दुम निकल आती है, एक टेल निकल आती है, ठीक है। और मेल जो होता है उसकी दुम नहीं निकलती, ठीक है। तो ये है जी हमारा पॉइंट थ्री। जी दोस्तों, अब हम इसका चलना फिरना आपको दिखाते हैं, वहाँ से भी आपको पता लगेगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। और मैंने बहुत क्लियर से बताया है कि मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में कि आपको मेल फीमेल में डिफरेंस में पता लगा है कि नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये मेल है और ये फीमेल।